शिवांगी जोशी को देखने के लिए मजा आएगा। सोशल मीडिया को मैं ऑनेस्टली बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ, ये काम करने का जरिया बन चुका है वो, सो बकवास भी करते है। मैं बहुत सारी दुआएं देना चाहता हूँ और मेरी तरफ से जितनी विशेष मैं दे सकूँ प्यार से सारी फोरम को, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ अर्न की है एंड एज आई सेड कि वो मेरे दिल के क्लोज़ है और दिल के क्लोज़ इसीलिए बिकॉज बहुत अच्छा अच्छा उनका काम करने का तरीका है, बहुत प्रोफेशनल है और मुझे बहुत पसंद है वो, सो इसीलिए आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर हम। आज 11 साल कंप्लीट हुए पर्पल स्टार एंटरटेनमेंट को, आई होप कि और ज़्यादा कंप्लीट हो और आप बहुत सक्सेस की स्टूडियो पर चढ़ते रहो। शो को बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स प्यार मिल रहा है और जिस वक्त पर मिला वो बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज आईपीएल में लोग मोस्टली बिजी होते हैं, हमारा जो टाइम है 7 बजे, लोग उस वक्त या तो कहीं जा रहे होते हैं शाम में या तो आ रहे होते हैं, और उसके बीच भी लोग टाइम निकाल के हमारा शो देख रहे हैं, सो थैंक यू। मैं अपील करूंगा लोगों को कि और देखें बिकॉज ये काफ़ी नॉलेजेबल शो है, समटाइम्स हम लोगों को खुद इंस्पिरेशन इससे मिलती है और हम सोचते हैं कि वाह यार क्या स्क्रिप्ट लिखी है, सो आई थिंक यू ऑल शुड वॉच। और अभी समुद्र मंथन करके बहुत अच्छा ट्रैक आने वाला है और जिस बहुत लोगों को पता होगा बहुत लोगों को नहीं, सो प्लीज़ देखिएगा और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं इस शो में और बेटर परफॉर्म करने की। मैं सिद्धार्थ निगम को आई थिंक देखना चाहूँगा बिकॉज मैं बहुत टाइम से सोच रहा था ये बड़ा हो जाए जल्दी से 18 क्रॉस करके, आई डोंट नो अभी कितने साल का है बट ऑफकोर्स बड़ा हो चुका है, सो मैं उसे देखना चाहूँगा फॉर श्योर। क्या किस पे? अच्छा, शिवांगी जोशी को देखने के लिए मज़ा आएगा बिकॉज कीड़े मकोड़ों के साथ जब उन्हें खिलाया जाएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वो, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यू नो फॉर खतरों के खिलाड़ी। सोशल मीडिया को मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ, अभी उससे अर्निंग होती है बिकॉज हम वहाँ पर भी एक काम करने का जरिया बन चुका है वो, सो इसलिए मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ बिकॉज उससे मुझे कुछ मिल रहा है, क्योंकि इसके पहले तो कुछ अनाप शनाप मिल रहा था, प्यार भी मिल रहा था ऑफकोर्स बट या थोड़ी लोग बकवास भी करते हैं, सो बट ठीक है, मैं सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की तरह ही लेना चाहता हूँ, क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था कि मैं भी सोच रहा था कि फॉलोअर्स क्यों नहीं, ये नहीं वो नहीं, बट बाद में पता चला कि यार डूड ये सब चीज़ों के पीछे मत जाओ, मेरी परफॉर्मेंस पे ख़राब आएगा, मैं डांसर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, जो है ड्यू ऑल रिस्पेक्ट बट इस वक्त जो है मैं अपने आप को एज एन एक्टर एज अ डांसर प्रूव करना चाहता हूँ। गरुड़ की बात की जाए तो प्लीज़ वॉच आवर शो, 7 बजे आता है सोनी सब पर मंडे टू सैटरडे और बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा ट्रैक आने वाला है, मतलब स्टोरी आने वाली है जो आप लोगों के साथ बहुत पसंद आएगी और बहुत नॉलेजेबल शो है, हमें खुद नॉलेज मिलती है इससे, सो प्लीज़ वॉच, रिक्वेस्ट है प्लीज़ वॉच, थैंक यू।